ताई, अब तक मुझसे नाराज है, छोटी बहन को माफ नहीं करेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुझ पर शक किया। तुझे लगता है तुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत है? मुझे याद है अभी भी, जब हम दोनों छोटे थे तो मैंने तेरी गुड़िया छीन ली थी, तुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरे सर पे बैठ गई थी और मुझसे कहा था मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, तई मतलब चाहिए, और तूने मुझे मारा भी था, तब तूने मुझसे सॉरी नहीं बोला, तो अब क्यों बोल रही है मनु? तू मेरी छोटी बहन है, गलतियां सबसे होती, तुझसे भी हुई। मनु एक बात बता, जहां तक मैं तुझे जानती हूं, तू ये सारी बातें नहीं सोच सकती, ऐसा दिमाग तेरा दौड़ नहीं सकता, मतलब शशांक का मेरा, आई एम श्योर कि किसी ना किसी ने तेरे दिमाग में बात डाली है मनु, मुझे बता वो कौन है, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन है ऐसा जो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है या वो चाहता है कि हम दोनों में प्रॉब्लम्स हों। मनु प्लीज बोल, चुप मत रह इस तरह। परी, ताई, मैं एक दिन नरेंद्र जीजू को सब कुछ सच सच बताने गई थी, वहां पर मुझे जीजू तो मिले नहीं पर परी मिली, उससे मेरी काफी बहस हुई और उस बहस में मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात मुझसे छुपाना चाहती थी, लेकिन मैं सब जानता हूँ, जानता हूँ कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, तुम्हें तुम्हारा शशांक वापस मिल जाए। मतलब नरेंद्र सर को भी यही लगता है कि मेरे पेट में शशांक का बच्चा है? ताई, तू नरेंद्र जीजू को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? नहीं बता सकती, नहीं बताना मुझे किसी को। मनु, मैं किसी पे जबरदस्ती जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती, मैं अपने आप को और अपने बच्चे को किसी पे जबरदस्ती ढोना नहीं चाहती, मैं संभाल सकती हूँ हर चीज, और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर ताई, अगर तू ये बात किसी को नहीं बताएगी कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं नरेंद्र जीजू का ही है, तो तेरे ऊपर कितनी उंगलियां उठेंगी, कितनी बदनामी होगी तेरी। कर लूंगी मैं बर्दाश्त, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, और इन सारी चीजों से बढ़कर एक और चीज है मानसी, नरेंद्र सर की खुशियां। मुझे पता है कि उनकी खुशी परी में ही है और वो उसी के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। ताई, किस मिट्टी से बनी है तू, कितना प्यार करती है नरेंद्र जीजू को? बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, शशांक जितना तुझसे करता है उतना। I wish मैं भी किसी दिन शशांक को उतना ही प्यार कर पाऊँ जितना वो मुझसे करते हैं और तू जीजू से। तू शशांक से अभी भी उतना ही प्यार करती है मानसी, बस उस प्यार में पता है किस चीज की कमी है? विश्वास की, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मनु उस कमी को भी बहुत जल्दी दूर कर दे। मनु चल, अब ये सारी ना बातें हम बंद करते हैं, और रोना धोना बिल्कुल भी बंद, आज प्रणु का बर्थडे है, ऐसे कैसे हम लोग रो सकते हैं? तू जल्दी से जा, मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ, ठीक है? बंद कर। क्यों? अरे बोला ना आपने आंखें बंद कर। लेकिन सुनो जल्दी। ठीक है। अरे अपने हाथ आगे कर। क्यों? किस लिए? देख सुनो, अगर तू कोई मजाक कर रही है ना तो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कुछ स्पेशल काम है, तेरे हाथ में कुछ रखना है। क्या? वो रखने के बाद पता चलेगा, पहले तो अपने हाथ आगे कर। ठीक है। हैप्पी बर्थडे प्रणव। थैंक यू सोनू। लेकिन सोनू,
ये ग्रीटिंग कार्ड तूने बनाया है? हाँ, अपने हाथों से। तूने कब बनाया? सुबह जल्दी उठकर मैंने सोचा तेरे लिए कुछ गिफ्ट करूं, पर मेरे पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए सोचा तेरे लिए ये बनाऊं। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। पसंद आया? अरे तूने इतनी मेहनत से बनाया, पसंद कैसे नहीं आएगा। और वैसे सुनो, तुझे पता है आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एक तो तूने इतना अच्छा गिफ्ट दिया और आज शाम को बाबा भी आने वाले हैं। किसी को बताया नहीं ना क्या आज बाबा आने वाले हैं? मैंने किसी को नहीं बताया, वो तो हमारा सीक्रेट है ना। कैसा सीक्रेट प्रणव? मुझे भी शामिल कर लो। यह उन छोटे लोगों का सीक्रेट है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा, आज तेरा बर्थडे है ना, तो जैसा तू कहेगा सब वैसा ही होगा। हैप्पी बर्थडे छोटे भाई। थैंक यू दादा। देखिए सोनू ने मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। अरे वाह, अच्छा है ना? इतना अच्छा ग्रीटिंग कार्ड। सोनू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो गई हो। और तुझे कैसे अपने बड़े भाई से? मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार। रिमोट वाली कार ला दूंगा। मेरा असली गिफ्ट तो शाम को मिलने वाला, जब बाबा आएंगे। दादा मुझे ये पहनना है। नहीं सोनू, ये टूटा हुआ है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो इतना? प्रणव का बर्थडे है, चलो तब एंजॉय करो, जल्दी करो, नाचो गाओ मस्ती करो यार। मैं पूछना भूल गई कि आई बाबा पहुंच गए क्या शिरडी? हाँ हाँ, मेरी बात हुई उनसे अभी एक घंटे पहले, पहुंच गए वो। कुछ देर आराम करने के बाद जाएंगे दर्शन करने। प्रणव चलो अभी हम लोग केक काटते हैं, है ना? नहीं ताई, वो थोड़ी देर बाद काटेंगे। क्यों, कोई आने वाला है? हाँ वो कोई खास आने वाला है। प्रणव बहुत देर हो गई है ना, और फिर तेरे दोस्तों को भी तो घर जाना है ना। चल केक काटते हैं। Come on, be a good boy. Yeah. प्रणव। बाबा। जन्म दिन मुबारक। बाबा आप कहाँ थे? कितनी देर लग गई आपको आने में? अरे बच्चा, हम तेरे लिए तोहफा ढूंढ रहे थे ना, ये बस तो टाइम लग गया। चल अच्छा सा बस, फूक मारे को फूक मारे। और बेटा अंकिता कैसे हो? वो दामाद जी नहीं आए? वो एक्चुअली जीजू की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए नहीं आ पाए। ये बड़े लोगों की बड़ी बात, हमें तो समझ नहीं आती। क्या जाए थे, चलो शाबाश शाबाश। पल जॉन अंदाजा हमने लगाया था सही था, अंकिता और नरेन में जरूर कोनो अनबन हुई है। और बात यहाँ तक बढ़ गई है कि वो लोग नरेन की शादी किसी और से कराने जा रहे हैं, और बात यहाँ तक आ गई है कि वो लोग नरेन की शादी कोनो और से करवा रहे हैं। अरे बाबा कहाँ चले गए? फिर से गायब हो गए। प्रणव देख, बाबा यहाँ आए थे ना गिफ्ट लेकर,
तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी बाबा को कोई काम से जाना होगा तो वो चले गए, लेकिन इतना जरूर है कि हमें जैसे बाबा चाहिए थे वैसे बाबा धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब प्लीज दिल छोटा मत कर, आज तेरा बर्थडे और हमें सेलिब्रेट भी करना है ना। बस मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि क्योंकि गौरी इस घर में बहू बन के आने वाली है और मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है इस चीज पर कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी गौरी तेरी नहीं होगी विष्णु लाला। गौरी को छोड़ दो, तुम ऐसा ही नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा। ससुरे देशमुख कभी नहीं सुधरेंगे। आज से 20 साल पहले हमारा प्यार छीना था, आज हमारी बेटी का प्यार छीनना चाहते हैं। नरेन की शादी वो परी से करवाना चाह रहे हैं ना, लेकिन हम हमारी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन लोगों ने हमारे अंदर के विष्णु लाला को जगाया है, अभी विष्णु लाला देख कैसे शादी रोकता है वो लोगन की। फोटो देखी? हाँ देखी। कैसी लग रही मेरी चूड़ियाँ? बहुत सुंदर। एक्चुअली डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि चूड़ियाँ ज्यादा सुंदर है या से पहनने वाली। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नरेन, आज मैंने तुम्हारे नाम की चूड़ियाँ पहनी है। Feeling so happy. पता है, जब से ये चूड़ियाँ पहनी है मैं बस इन्हें ही देखे जा रही हूँ। कितनी प्यारी है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो। हाँ तो एक काम करता हूँ ना, मैं भी चूड़ियाँ पहन लेता हूँ, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पागल, लड़के चूड़ियाँ थोड़ी पहनते हैं। अरे पर तुमने चूड़ियाँ पहनी है, मुझे कुछ तो पहनना चाहिए ना तुम्हारे नाम का। चूड़ियाँ तो तुम नहीं पहन सकते, एक काम करो तुम फोटो देख के काम चला दो या फिर मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजती हूँ चूड़ियों की आवाज की, ठीक है? ओके डन। और तुम्हें पता है, आज मैं भी बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ। तुमने मेरे नाम की चूड़ियाँ पहनी है और कल तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम जुड़ जाएगा। हाँ, बाकी लोगों के लिए परी नरेन करमरकर, लेकिन मेरे लिए आहाना नरेन करमरकर। फिर से कहो। क्या? मेरा नाम आहाना। पूरा नाम आहाना नरेन करमरकर। एक और बार आहाना नरेन करमरकर। मन कर रहा है कि बार बार यही सुनती जाऊं। नरेन, आज की चूड़ी सेरेमनी के बाद मैं ऑफिशियली तुम्हारी हो गई। आज मेरे नाम की चूड़ियां पहनी है, कल गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और फाइनली तुम मेरी बन जाओगी। यहाँ मेरे साथ मेरे हमारे घर में, हम दोनों हम अपने घर पे होंगे, है ना? और फिर जितनी देर चाहूंगा तुम्हें देख सकूंगा, तुमसे बातें कर सकूंगा, प्यार कर सकूंगा, है ना? फाइनली सारे सपने पूरे हो रहे हैं जो मैंने देखे थे। What do you think? पता है मेरा सपना क्या है? क्या? तुम्हारी दुल्हन बनना। आज तक बस आज ही और आई के मुंह से सुनती आई थी कि जब दुल्हन बनते तब ऐसा फील होता है, वैसा फील होता है, और आज खुद मुझे ये सब फील हो रहा है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। अभी तो शुरुआत है, देखना मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा, इतनी खुशियाँ दूंगा कि मेरे पास कोई एग्जांपल ही नहीं। But you know what? I love you. I love you. And you're going to live happily ever after. चलो, bye. Good night. इतनी क्या जल्दी है? थोड़ी देर और बात करते हैं ना? नहीं, आज ही आ जाएंगे। Okay. Good night. Hello, ma'am. Yeah? Courier. किसके नाम का कुरियर? अर्चना देशमुख। आई का कुरियर? साइन कर दीजिए यहाँ पे प्लीज।
नंबर लिख दीजिए नीचे। थैंक यू। थैंक यू। ये तो किसी एडवोकेट रानी का कुरियर है, मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली है क्या, कैसे पता करूं, ओपन करूं क्या? नीना किसी और के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, इट्स अ बैड मैनर। और अगर आई को पता चल गया तो कि मैंने उनका कोरियर खोलकर देखा है। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, आई के कमरे में रख देती हूँ। अगर देखना तो पड़ेगा नीना, अगर विल से रिलेटेड कुछ हुआ तो। वैसे भी आई इंडिया विल के लिए आई है, और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ, मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। एक काम करती हूँ, खोल कर देखती हूँ, बाद में चिपका कर रख दूंगी। इसमें तो विल है क्या? आई ने सारी प्रॉपर्टी सोहम, ओवी और तेजू के नाम की, सचिन के नाम पर कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। नीना क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना और डेंजरस भी। आई के नाम का कुरियर आया था, और पता है उस कुरियर में क्या था? क्या? आई की विल। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आई की विल आज नहीं तो कल बनने वाली है ना। सो जाओ नीना, तुम भी ना। पर सचिन, उस विल में तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं था। What? Actually, सपने वाली विल में आई ने सारी प्रॉपर्टी सोहम के नाम कर दी, पर तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है। नीना, for kind information, सपने और सच में बहुत फर्क होता है, and I'm sure reality में भी वैसे ही होगा। मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिलेगी। सचिन, तुम इस गलत फहमी में मत रहो। मैं जानती हूँ आई सोहम को कितना प्यार करती है। वो आ जाएगा ना तो देखना। वैसे भी पता नहीं वो इतने साल कहाँ रहा होगा, उसका परिवार है या नहीं है। अगर वो गरीब हुआ ना तो हो गया हमारा कल्याण। वैसे भी तुम्हें इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम निग्लेक्ट किए जाओगे, सारी प्रायोरिटी उसे ही दी जाएगी। और तुम्हें लगता है मैं सब होने दूंगा? मैं चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखूंगा? नॉट एट ऑल। अगर मैं अपनों के लिए सैक्रिफाइस कर सकता हूँ तो अपना हक भी लेना जानता हूँ। और वैसे भी ये सब होने वाला है जब सोम यहाँ पे आएगा, आज वो यहाँ नहीं है। और सच कहूँ तो उसके आने की यहाँ घर पे गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि मैं सोम को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस घर में कभी नहीं आएगा। सचिन, तुम समझ नहीं रहे हो, आई बाबा ने उसे घर लाने की ठान ली है। देखा नहीं तुम्हें कितने एक्साइटेड थे वो? नीना, उनके एक्साइटेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी इस कोशिश में वो कभी कामयाब नहीं होगी। अगर ऐसा होता भी है तो तब की तब देखेंगे। तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? रिलैक्स और अब सो जाओ। पता नहीं कैसा बुद्धू हस्बैंड मिला है, सोम की सीरियसनेस को कभी समझेगा ही नहीं। गॉड प्लीज सोम को घर मत आने देना। ए नारायण बाबू, दरवाजा खोल। ए दरवाजा खोल नारायण बाबू। अरे भाई साहब, अरे दरवाजा क्या यहां से? नारायण बाबू खोल। अरे भाई, ए नारायण बाबू। अपनी बेटी का इंसाफ मांगने आए, उनका जवाब मांगने आए, जवाब दे। तुम्हें जवाब चाहिए तो जाओ जाके अपनी बेटी से पूछो, वो तुम्हें सच्चाई बताएगी कि क्यों नहीं रहती अब वो यहाँ। समझे मैडम जी? जस्ट शट अप, ओके? मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। समझते हो तुम वो क्या होता है? समझौते की शादी, जिसके लिए उसे एक अच्छी खासी मोटी रकम मिल चुकी है। नरेंद्र ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब वो इसकी बीवी नहीं है और ना ही इस घर की बहू। यू गेट दैट?
अरे बकवास मत कर, तूने फायदा उठाया अपनी बेटी का, हम सब जानते हैं। टोड़ा मरा को सब जानते हैं। इन्हें उठा के बाहर फेंको यहाँ से। फायदा फायदा तो तुम लोगों ने उठाया है हमारा, हमारी अच्छाई का। कितनी बार ब्लैकमेल दिया तुमने हमें, हाँ कितनी बार पैसे मांगे हमसे तुमने, तुम्हारी बेटी ने। मैडम जी, अगर एक तो सब अपनी बेटी के बारे में बोला ना, हमरे से बुरा कोनो नहीं होगा, हम भूल जाएंगे कि तू भी एक औरत है, समझ गई? क्या हो रहा है ये सब, ये क्या नाटक चल रहा है यहाँ पे? ये कोई टाइम है किसी घर पे आने का? और अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ अपनी बेटी से बात करो। छोड़ो मेरे को, ए तू कौन है? बोलो बोलो, आज बात नहीं करोगे? ए डाडा छोड़ दो, आप कहां से तोड़ेगा? पुलिस के दो डंडे पड़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अबे राघव मात्रे, तू समझता क्या अपने आपको? दरवाजा खोल। तूने नरेन कर मार्कर पे हाथ डाला, बंद कर दो इसको। लगता है लाला पकड़ा गया। पालन बच के रहना, अगर लाला को तनिक भी भनक लग गई ना कि उसको पकड़वाने में तेरा हाथ है तो तेरी खैर नहीं बस। लेकिन बिना पैसा लिए तो मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता हूँ। न जाने कब हमारा पैसा आएगा और कब हमको इस झंझट से छुटकारा मिलेगा।